नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बाइकिंग वाइकिंग। सॉरी कहना चाहेंगे आप लोगों से क्योंकि काफी लंबे समय से, आई थिंक 2 महीने से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि बाकी किसी कामकाज में फंसे हुए थे, कोविड था, लॉकडाउन था, बीमार हो गए थे, दुनिया भर की चीजें हैं, आपको भी पता है। सो रियली सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जैसे आपने पहले के वीडियोस में देखा कि हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि आपके पास सबसे बेस्ट ब्रांड लेकर आ सके और जितना हो सके वो ब्रांड इंडियन मैन्युफैक्चर हो, यानी एटलीस्ट वो जैकेट, वो पैंट्स या जो भी वो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं वो यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज एक नए ब्रांड की बात करते हैं। ये ब्रांड इंडिया बेस्ड है और अभी तक जो हमने देखा है काफी नया ब्रांड है, बट नए होने के बावजूद काफी चीजों में बहुत ही पर्टिकुलर है, बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं और काफी ही अच्छे प्राइसेस पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। कंपनी काफी पुरानी है, पहले मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाते थे, खुद मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट इस कंपनी को रन करते हैं, इनके ओनर खुद मोटर एंथुजियास्ट हैं एंड दे हैव बीन इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर रॉयल एनफील्ड एंड अदर मोटरसाइकिल टूरिंग वूरिंग के लिए। मतलब बेसिकली आप और हम जब शायद बच्चे होते होंगे तब से ये लोग मोटरसाइकिल पे हैं और दुनिया घूम रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये ब्रांड है लोन रेंजर। लोन रेंजर इंडिया बेस्ड कंपनी है जो अपना मटेरियल बाहर से प्रोक्योर करती है, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है वो इंडिया से प्रोक्योर करती है एंड आपके मोटरसाइकिलिंग के जैकेट्स और सब ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी खुद की फैक्ट्री है, इनके खुद के टेलर्स हैं, इनकी खुद की मशीन्स हैं जहां पे ये बनता है। सो लेट्स कम बैक टू द थिंग। टुडे वी विल टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ लोन रेंजर। उनका एक जैकेट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दुनिया भर के अलग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैकेट्स है, पैंट्स है, ग्लव्स है, बट उस पर हम बाद में आएंगे। तो बात करते हैं आज इस जैकेट की जो लोन रेंजर का है। इसका नाम है अर्बानो, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट्स टेक दिस जैकेट आउट एंड हैव अ लुक एट द जैकेट। Keep it up for display, ये है लोन रेंजर का अर्बानो। अब इस जैकेट की क्या खूबियां हैं, क्या खासियतें हैं, हम आपको ब्रीफ में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। एंड हाँ, आपको बताना भूल जाएं उससे पहले कि कैमरे के पीछे हमारे दोस्त हैं कार्तिक, तो हम बार बार उनका नाम लेंगे क्योंकि हमें बहुत जरूरत पड़ती है उनकी, आगे पीछे उनको भगाते रहते हैं हम। तो कार्तिक प्लीज थोड़ा सा क्लोजअप ले लीजिए कैमरे का। So this is Urbano. आपको जनरली ये जैकेट देख के लग रहा होगा यार दूसरे किसी जैकेट की तरह है, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये लोग इतना पकड़ पकड़ कर रहे हैं, बता रहे हैं सब कुछ। तो ठीक है, सिंपल सी चीज बता देते हैं। ये मैश मटेरियल है, ये आपका टेक्सटाइल मटेरियल है। अब इसकी मैश की एक खासियत है, ये 460 GSM का मैश है। जनरली आपने नोटिस किया होगा कोई जैकेट मैन्युफैक्चरर अपनी मैश का रेटिंग कभी बताता नहीं है। तो 460 GSM होता क्या? 460 GSM यानी ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर कपड़े में कितने ग्राम आ रहा है, मतलब एक स्क्वायर मीटर कपड़े का कितना वजन है। तो ये 460 ग्राम एक स्क्वायर मीटर में बैठता है। तो ये हो गया मैश और ये इनका टेक्सटाइल मटेरियल है। टेक्सटाइल मटेरियल है 600D। क्या आपने 10 बार सुना होगा 600 Danyels, एक तरीके की रेटिंग है, वो भी इस मटेरियल की क्वालिटी और इसकी डेंसिटी बताता है क्या कर सकता है। तो ये सब चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, इतना सब मैं बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। कुछ छोटी छोटी खासियतें हैं जैकेट की, आ जाइए उस पर बात करते हैं। कंफर्ट जोन जैकेट का गर्दन के पास, नेक और रिस्ट, तो ये जो मटेरियल है ये स्वेड मटेरियल है, ठीक है, तो इरिटेशन नहीं होगी गर्दन पे, सॉफ्ट रहेगा, स्मूथ रहेगा। ये मटेरियल है नियोपरीन। नियोपरीन बेसिकली एक तरीके का सिंथेटिक रबर है, ये स्ट्रेच भी होता है और ये आपको मोस्टली आपके वेट सूट्स और ये सब में मिलेगा। वेट सूट्स यानी जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं या प्रोफेशनल वाटर स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनके जो बॉडी वेयर्स हैं वो नियोपरीन के बनते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, नेक के ऊपर इन लोगों ने दूसरों की तरह वेलक्रो नहीं दिया, एक बटन दिया है जो ज्यादा सिक्योर रहेगा, एडजस्टेबल है, आपकी गर्दन के हिसाब से आप इस बटन को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सेम चीज जो हमने आपको इधर नेक रीजन में बताई नियोपरीन और स्वेड, वही सेम चीज रिस्ट पे भी यूज हुई हुई है। अगेन रिस्ट का टिप नियोपरीन यानी सिंथेटिक रबर से बना हुआ है तो इरिटेशन कम होगी, स्ट्रेचेबल रिस्ट है, एडजस्टेबल वेलक्रो स्ट्रिप्स दी हुई हैं जो बहुत है अच्छी हैं क्योंकि जनरली यहाँ पे बटन होते तो खुलने के चांसेस होते, तो यहाँ पे काफी अच्छा वेलक्रो यूज किया हुआ है इन लोगों ने। ये मटेरियल भी काफी अच्छा है, ये इन लोगों ने रबर यूज किया हुआ है यहाँ पे, विच इज स्लाइटली बिट इजियर टू पुट ऑन एंड रिमूव एंड काफी अच्छा क्लासी भी दिखता है, काफी अपमार्केट फील देता है एक्चुअली। दूसरी और कुछ खूबियां इस जैकेट की हैं कि मैच जैकेट है,
अब हम महाराष्ट्र में बेचते हैं, बॉम्बे में बेचते हैं, थाना में हमारी शॉप है, बॉम्बे के बगल में जो शहर है थाना, वहां पे हम बेचते हैं। बारिश बड़ी पड़ती है हमारे यहाँ पे, तो कई रीजन में बारिश ज्यादा होती है, कई में कम होती है। तो बारिश होती है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। गलती से आप राइड पे गए, अगर आप अपना रेनवेयर ले जाना भूल गए तो आपको चिंता की जरूरत नहीं। इसेंशियल्स रखने के लिए चार वाटरप्रूफ पॉकेट्स है जैकेट के अंदर, दो आगे हैं जो यहाँ पे है। अगेन YKK के जिपर्स हैं इनमें, पूरे जैकेट में YKK के जिपर्स हैं। लाइनिंग आपको दिख रही है वाटरप्रूफ जिपर की, यहाँ से आप खोल के आप अपना मोबाइल फोन या अपना पावर बैंक केबल, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स फोल्ड करके डाल सकते हैं। तो दो पॉकेट्स हैं यहाँ पे आपको, दोनों ही पॉकेट्स वाटरप्रूफ है, ऊपर मैश है, अंदर वाटरप्रूफ मटेरियल है, तो चिंता मत कीजिए पानी नहीं जाएगा अंदर। आपको छोटी मोटी चीजें कैरी करने, तो रिस्ट के अंदर भी दोनों ही हाथों के रिस्ट में अगेन वाटरप्रूफ पॉकेट्स हैं, वाटरप्रूफ जिपर्स हैं, और यहाँ पे भी आप अपनी छोटी मोटी चीजें रख सकते हैं, समथिंग लाइक योर मेडिसिंस और समथिंग दैट यू वांट टू कीप, यू कैन कीप इट ओवर देयर। अब आते हैं प्रोटेक्शन पार्ट पे इसके। तो प्रोटेक्शन पार्ट में ये आप सब लोग समझते हैं कि यस मैश चाहिए, क्योंकि इंडिया बेसिकली एक गर्म देश है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़े ज्यादा होते हैं, गर्मी बहुत होती है, तो मैश तो जरूरी है। लेकिन टेक्सटाइल जितना ज्यादा होना जैकेट पे उतना अच्छा होता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंपैक्ट के टाइम पे आपको काफी बचाता है, मैश से ज्यादा बचाता है। तो मैश इसमें काफी लिमिटेड जगहों पे दिया हुआ है, जैसे चेस्ट पे आपने देखा है और आपने यहाँ पे रिस्ट पे भी देखा है कि आर्म स्लीव्स के ऊपर अंदर की तरफ मैश है, तो यहां से भी आपको काफी अच्छी एयर वेंट्स मिल जाएंगी। ये जैकेट का पीछे का हिस्सा है तो यहाँ पे भी मैश है, हवा सामने से घुसेगी तो बाहर से निकलने के लिए जगह भी चाहिए हमको, तो वो भी दिया हुआ है। एंड काफी अच्छी क्वांटिटी में, मतलब काफी अच्छे एरिया के ऊपर टेक्सटाइल मटेरियल यूज है, सो यू कैन बी श्योर दैट यस दिस जैकेट विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू। अब आते इसके असली प्रोटेक्शन के ऊपर, इंपैक्ट जोन जिसको बोलते हैं। तो हम जब गिरते हैं तो ये जो हिस्सा है हमारे हाथ का, यहां हमारे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कंधे पे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और यहां पे अगर मटेरियल फट जाए तो काफी बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अंदर आपके पास कुछ भी हो, आपके पास सैशटैग लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, या फिर फोम लाइनर ही हो अगर आपका जैकेट पुराना है, बट ये मटेरियल नहीं फटना चाहिए, क्योंकि अंदर की प्रोटेक्शन भी फट सकती है फिर, क्योंकि जब आप रोड पे गिरते हैं तो काफी ही ज्यादा एब्रेसिव होता है, घसने वाली चीज होती है, हमारे कपड़े तक फाट देती है। तो उसके लिए लोन रेंजर ने बहुत ही प्यारा सोल्यूशन निकाला है, विच इज कॉल्ड बैलिस्टिक नायलॉन। ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है यहां पे, ये आपके फोरआर्म तक आएगा और ये आपके पूरा नेक से लेके शोल्डर तक कवर कर रहा है, दिस इज बैलिस्टिक नायलॉन। अब बैलिस्टिक नायलॉन क्या है? बैलिस्टिक नायलॉन बेसिकली नायलॉन है जिसको डूपॉन्ट ने डेवलप किया था, डूपॉन्ट कंपनी का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, काफी ही इनोवेटिव कंपनी है, पेंट्स में, पॉलीमर्स में, बाकी सब चीज में काफी कुछ बनाती रहती है। डूपॉन्ट डेवलप हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में और इसको एयरमैन यूज करते थे, एयरमैन यानी जो लोग प्लेन में से कूदते थे लड़ाई में, बेसिकली उनके लिए बना था। तो एब्रेजन रेजिस्टेंस है, काफी अब्यूज ले सकता है मटेरियल, क्योंकि वो लोग जब लैंड करते थे तो शायद हमसे ज्यादा इंपैक्ट उनको झेलना पड़ता था, तो इन लोगों ने बैलिस्टिक नायलॉन यूज किया। बाकी बैलिस्टिक नायलॉन्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के कोई भी चीज पे अगर आप सर्च करेंगे वहां मिल जाएगी, या फिर आप सिंपल गूगल कर लीजिए, आपको टेक्सटाइल रिलेटेड डिटेल्स आपको बैलिस्टिक नायलॉन की मिल जाएंगी। नेक्स्ट चीज है कि जैकेट में एज स्टैंडर्ड फोरआर्म पे, शोल्डर्स पे और बैक पे लेवल 2 प्रोटेक्शन है, लेवल 2 सैश टैग यूज कर रही है लोन रेंजर। प्लस उसके अलावा यहां पॉकेट्स दी हुई हैं, तो अगर आपको चेस्ट प्रोटेक्टर यूज करना है तो इसमें ऑप्शन है, आप लेवल 1 चेस्ट प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, यू कैन अपग्रेड इट विद द चेस्ट प्रोटेक्टर, कैविटी दी हुई अंदर, आप अलग से इसका सैश टैग प्रोटेक्टर ले सकते हैं और लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्योंकि हमने जैकेट खोल दिया है तो अंदर की चीजें भी देख लेते हैं। नॉर्मली राइडिंग जैकेट में अंदर पॉकेट्स नहीं आती, बट इसमें टूरिंग स्टाइल की एक पॉकेट दी हुई है जो यहाँ पे है, विच इज अ वेरी गुड थिंग आई बिलीव। एंड सेकेंड चीज है, एक प्यारा सा हुक दिया है यहाँ पे ना, दिस इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव थिंग आई वुड से, कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, हमें हमारी बाइक की चाबी कैरी करनी, कई बार हम जेब में रखते हैं चाबी गिर जाती है, हमें एक आदत बनानी कि हमें इस हुक के ऊपर चाबी लटका देनी, तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर दैट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अल्टीमेटली ये जिपर है यहाँ पे, अगर आप लोन रेंजर की पैंट ले रहे तो आप यहाँ पे टाई डाउन कर सकते हैं अपने जैकेट के साथ, तो आपका जैकेट और पैंट एक सिस्टम की तरह काम करेगा। नाउ इट कम्स विद स्ट्रेचेबल मटेरियल्स ऑन टू प्लेसेस, वन इज दिस योर शोल्डर एरिया एंड वन इज योर आर्म्स, तो ये टू वे स्ट्रेचेबल है,
ओके ये टू वे स्ट्रेचेबल क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे आर्म सिर्फ मोस्टली ऐसे चलते हैं, और जो शोल्डर का रीजन है जो हमारे यहां पे जो ये स्ट्रेचेबल मटेरियल आएगा दिस इज फोर वे स्ट्रेचेबल, तो यानी आप अपने जैकेट को आराम से हाथ फोल्ड भी कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जैकेट्स में नजदीक आने में बड़ी दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो वो आप कर सकते हैं। और ये अब मैं आपको पहन के दिखाता हूं, और काफी अच्छी फिटिंग है इस जैकेट की, मतलब मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी फिटिंग, स्नग फिट है, अच्छी तरह बैठता है। सो दिस इज द जैकेट एंड विल कम अ लिटिल ऑफ द टेबल नाउ सो दैट आपको पूरा व्यू मिल सके। ये हमारा जैकेट है, तो ये स्लीव्स हमारी बंद है, ये ऐसे बंद कर दी, और ये स्लीव्स हमने एक्सपेंडेबल रखी है ताकि आपको दोनों का व्यू मिल जाए कैसे आ सकता है। एंड आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स फोरआर्म्स के हिसाब से आपको कितना टाइट लूज चाहिए जैकेट आप कर सकते हैं। पॉकेट्स की पोजीशन जो हमने स्लीव की पॉकेट बताई थी, पोजीशन काफी अच्छी है, आपको सिर्फ अपने ग्लव्स निकालना है तो एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी कोने में दी हुई है, कुछ नहीं। एल्बो प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट यहां तक आ रही है, मैं भी आपको बता नहीं सकता हूं क्योंकि बट यहां से अगर मैं फील करना शुरू करूं तो यहां पे कहीं आके प्रोटेक्शन खत्म हो रही है, विच इज क्वाइट अ गुड एरिया टू कवर। शोल्डर प्रोटेक्शन इज वेरी एप्ट। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेचिंग की, तो जो हम आपको बता रहे थे टू वे एंड फोर वे क्या होता है, टू वे स्ट्रेचिंग क्या होता है, फोर वे स्ट्रेचिंग, तो जनरली आप देख रहे हैं हाथ आराम से इतना खींचना मुश्किल है, तो एंड नाउ लुक एट दिस, मतलब मुझे किसी को बेयर हग देना है ना तो भी मैं जैकेट पहन के दे सकता हूँ। आमूमन आप जैकेट में नोटिस करेंगे रिस्ट्रिक्शन काफी आती है, तो इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इवन इफ यू आर कमिटेड ऑन योर बाइक, आपने हैंडल बार अंदर स्क्वीज किए हुए या फिर काफी वाइड है, तो ये मूवमेंट आपकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है इस जैकेट के अंदर। नाउ अब ये जैकेट आता है थर्मल लाइनर के साथ, जो कि हमने फिलहाल निकाल रखा अंदर से क्योंकि बहुत गर्मी है, एसी में भी पसीने आ जाते हैं, बट दिखाएंगे जरूर। यहां पे एक पॉकेट है जहां पे इसका रेन लाइनर है, यू सी दिस, दिस इज द पॉकेट एंड खुल जा सिम सिम, वाओ देयर इट इज। खैर हम पहनते नहीं है रेन जैकेट, बट रेन जैकेट चाहिए होता है बाइक चलाते हैं, किसको गीला होना पसंद है। तो अगर आपकी फुल फेस हेलमेट है तो यहाँ पे यानी आपका राइडिंग जैकेट अंदर है, ये इसके कॉलर्स हैं रेन जैकेट के, दिस यू कैन सी, एंड देन यू कैन वेलक्रो इट आउट हियर, सो यू आर पैक्ड एंड देन यू कैन वेयर योर हेलमेट, तो आपकी हेलमेट ही ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगी, तो चांसेस कम है कि सीधा पानी अंदर जाए, ऑब्वियसली चांसेस है, कहीं ना पानी है कहीं से भी घुस सकता है, बट काफी कम चांसेस, और काफी अच्छा जैकेट। और रेन लाइनर पहनने का भी देखिए कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आई कैन स्टिल गिव यू अ बेयर हग अगर आप लोग कैमरा से निकल के यहाँ पे आ जाओ तो, सो इट्स क्वाइट गुड। मैं निकाल रहा हूँ यार क्योंकि गर्मी लग रही है, बट यस इट रियली फिट्स वेल सिंस इट इज ओपन, प्लीज हैव अ लुक एट इट। स्टिचिंग्स के ऊपर पाया टेप लगी हुई है, सो चांसेस आर वेरी लेस कि स्टिचिंग के अंदर से पानी जाए, और इतना पहन के मैंने आपके सामने खींचा जैकेट को, बट कहीं से आपको दिख नहीं रहा कि टेप निकली हो या नहीं, जवाब दे दियो, तो इट्स क्वाइट गुड एंड मटेरियल रियली फील्स नाइस। एंड नाउ वी आर हियर टू दिस, सो दिस इज अ वेरी नाइस एंड सिंपल थर्मल लाइनर, जो जेन्युइनली थर्मल लाइनर दिखता है। अब आपने नोटिस किया होगा लोग प्लास्टिक का मटेरियल दे देते हैं रेन लाइनर की तरह, वही रेन लाइनर है वही थर्मल लाइनर है, बिकॉज यस प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, बट दिस इज अ प्रॉपर थर्मल लाइनर जो लोन रेंजर ने बनाया है अपने जैकेट के लिए, इट्स क्वाइट गुड आई वुड से, इट्स रियली नाइस एंड इट फिट्स इजीली। सो दैट्स अबाउट इट विद दिस जैकेट। इसके बारे में आपको अगर कुछ भी सवाल है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर हमारे बोलने के तरीके से कुछ तकलीफ है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड हाउ वी कैन मेक अ वीडियो मोर एंटरटेनिंग एंड मच बेटर फॉर यू प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी शैल कैच यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। दिस टाइम हम लोग लेट नहीं होंगे, कोविड खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट एंड चीजें चालू है इस टाइम पे आएंगे। सो नमस्ते, टेक केयर, राइड सेफ एंड विश यू हैप्पी राइडिंग सीजन। बाय।